नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी पूर्णिया बजट गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में पेश कर दिया। अपने बजट भाषण और पछतावे से जेटली ने देश के मध्य वर्ग को निराश किया है। लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि चुनावी साल होने की वजह से सरकार आमजनों और नौकरी पेशा मिडिल क्लास को राहत देगी, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ खास नहीं किया। हालांकि सरकार ने वेतन भोगी कार्यकर्ताओं के 40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ दिया है, मगर दूसरी तरफ उनकी आयकर 1% ऊपर बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर देखें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन से जहां सरकार 8,000 करोड़ का घाटा सहेगी, वहीं ऊपर कर लगाकर दूसरे हाथ से जेटली ने इन्हीं कार्यकर्ताओं से करीब 11,000 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं। यानी पब्लिक को 3,000 करोड़ रुपए का चुना वित्त मंत्री ने लगा दिया है। माना जा रहा है कि चुनावी साल होने की वजह से सरकार ने ग्रामीण और गरीब लोगों पर ज्यादा खर्च करने का मन बनाया है, मगर इसके लिए पैसों का इंतजाम मिडिल क्लास लोगों से किया है। वहीं वित्तीय वर्ष 2016 से 2017 में जहां 1.89 करोड़ वेतन भोगियों ने कुल 1.44 लाख करोड़ रुपए का आयकर भुगतान किया था, वहीं 1.88 करोड़ रहवासियों ने कुल 48,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा था। फसलों का MSP उत्पादन लागत से 1.5 गुना करने का लक्ष्य है। 12,000 ग्रामीण घाट कृषि बाजार बनाए जाएंगे। 2,000 करोड़ के फंड से कृषि बाजार कोष बनाया जाएगा। आलू टमाटर जैसी फसलों को बेचने के लिए 5,000 करोड़। कृषि उत्पादन का निर्यात 100 अरब डॉलर करने का लक्ष्य। वायु प्रदूषण कम करने के लिए विशेष योजना लाई जाएंगी। उज्ज्वल योजना में 8 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन। स्वच्छ भारत मशीन से 2 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य। पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत 51 लाख घर बनाने का लक्ष्य। आदिवासियों के लिए एनक्लव्य मॉडल स्कूल खोलेंगे। 2022 तक शिक्षा में सुधार के लिए राइज योजना का प्रस्ताव। हर साल बीटेक के 1 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी। 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। 3 संसदीय क्षेत्र में 1 मेडिकल कॉलेज बनने का प्रस्ताव। आयकर सीमा में कोई बदलाव नहीं। सेस की दर 3% से बढ़ाकर 4% हुई। ये थी SM News की रिपोर्ट।